नमस्कार। इस वक्त हम खड़े हैं लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में, और लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में अब गेहूं आने का वक्त है। धीरे धीरे जो गेहूं की ट्रालियां हैं वो अनाज मंडी में पहुंच रही है। लगातार गेहूं आने का सिलसिला जो है वो जारी है, क्योंकि ये जो मौसम है ये गेहूं के लिए उपयुक्त है। और अब फसल कटाई के बाद धीरे धीरे जो गेहूं की फसल है वो मंडियों में आएगी और लगातार जो खरीदी बिक्री का दौर है वो शुरू होगा। हमारे साथ व्यापारी हैं गेहूं के, रवि सारडा जी। इनके पास सीधे चलते हैं और इनसे जानते हैं आज क्या कुछ दाम रहे, क्या कुछ स्थिति आज जो है मंडी में रही है। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल यही कि आज मंडी में क्या कुछ दाम गेहूं के रहे हैं और क्या स्थिति आज मंडी? एक्चुअल में क्या है, अभी दो तीन चार दिन से बाजारों में तेजी आ गई है। कुछ बाजारों में अफवाह भी चल रही है कि सरकार अपना बोनस के अलावा कुछ भाव और बढ़ाकर 2700 कर सकती है। एक्चुअल में 2275 समर्थन मूल्य है। कुछ लोग बोलते हैं कि 2400 हो जाएगा, कुछ लोग बोलते हैं कि 2700 हो जाएगा, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई सरकार द्वारा नोटिफिकेशन नहीं होने के कारण ये बाजार में चल रहा है, अफवाह ही चल रही है। और 200 रुपये करीब बाजार इसमें बढ़ चुके हैं 5-6 दिन के अंदर। जो माल पहले 200 रुपये कम बिक रहा था वो अभी 200 रुपये ऊपर बिक रहा है गेहूं मंडी के अंदर। आज क्या दाम रहे? आज मंडी के अंदर ऊपर में 2400 से लेकर 2500 रुपये के आसपास मील क्वालिटी का दाम रहा। जो माल पहले 2250 से लेकर 2300 रुपये बिक रहा था। अच्छा, और नीचे में कितना रहा? नीचे में बाजार 2400 से कम कोई माल नहीं बिका आज मंडी में। कौन कौन सी क्वालिटी का माल हमारे पास आता है? लोकवन आता है और पूर्णा गेहूं आता है और मालोराज गेहूं यहाँ पर ज्यादातर आता है। और आज कितनी ट्रालियां लगभग आई होंगी? आज मंडी के अंदर लगभग 125 ट्राली के आसपास आई होगी यहाँ पे। लगातार आवक बढ़ रही है अब धीरे धीरे, और आवक बढ़ी, आवक धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी। मौसम भी पूरा खुला है और आवक और तेजी से बढ़ेगी इसमें। अच्छा, आवक जब बढ़ेगी तो क्या दाम में कोई डिफरेंस होने की संभावना है? आवक बढ़ने के बाद दाम में डिफरेंस तभी हो सकता है कि जब सरकार अपना वही पूर्वतः भाव जो 2275 समर्थन मूल्य है वही रखे तो ही होगा, नहीं तो फिर बाजार में यदि उनने कुछ बढ़ाया है तो फिर बाजार तेज हो सकता है। जो हम एक्सपोर्ट करते हैं हमारे यहाँ से जो बाहर जाता है गेहूं, उसके कारण भी जो है भाव पर डिफरेंस पड़ता है? अभी एक्चुअल में एक्सपोर्ट नहीं चल रहा है। एक्सपोर्ट पूरा सरकार द्वारा ही, सरकार से अनुमति लेने के बाद ही एक्सपोर्ट होता है, इसलिए डायरेक्ट एक्सपोर्ट बंद है अभी मंडी में। कभी कभी ये स्थिति भी हम गेहूं में देखते हैं कि हमारे पास कम हो जाता है, फिर हमको जो है बाहर से मंगवाना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हम सरकार को किस तरह से सुझाव देते हैं? अभी इस समय तो ऐसी परिस्थिति नहीं है कि बाजार बाहर से गेहूं बुलाया जाए, पर यदि बाद में जब ज्यादा एक्सपोर्ट यदि हो जाता है तो ही बाहर से बुलाने की नौबत आएगी, नहीं तो अभी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं लग रही है। अच्छा, आपने एक बात बताई है कि जो है समर्थन मूल्य की बात है, सरकारी खरीद के कारण अब जो है इस पर सीधा असर पड़ रहा है। आने वाले समय में हम क्या संभावना देखेंगे? यदि मान लीजिए 2700 रुपए का भाव सरकार कर देती है तो ऐसी स्थिति में मंडियों पर कितना असर पड़ेगा और यहाँ पर हम क्या बदलाव देख पाएंगे? 2700 होने के बाद बाजार में एकदम अप्रत्याशित तेजी आ जाएगी, और यदि बाजार तेज होगा तो सरकार यदि 2700 से ऊपर मंडी बिकेगी तो ही किसान मंडी में माल बेचेगा, नहीं तो 2700 से कम होने पर सरकार में ही माल को समर्थन मूल्य में किसान तोलेगा। हमारे यहाँ से 2300-2400 या 2700 निकलता है तो बाहर जाके उसके दाम और बढ़ जाते हैं, तो सामान्य जनजीवन पर इसका असर देखने मिलेगा? सामान्य जनजीवन पे यही असर पड़ेगा कि यदि बाजार तेज होगा तो बाजार में भी तेजी भाव से माल मिलेगा। इस कारण यदि बाजार बढ़े, यहाँ बढ़ाएंगे तो फिर जरूरी बाजार बढ़ेगा। अच्छा, मौसम का अब की बार को असर पड़ा, उत्पादन हमको कैसा देखने मिल रहा है? उत्पादन में ऐसा लग रहा है कि 20-30% की कमी आ सकती है, ऐसा मौसम का लग रहा है। अच्छा, 20-30%। तो निश्चित तौर पर ये गेहूं के व्यापारी थे रवि सारडा, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि आने वाले समय में जो दाम है गेहूं के वो बढ़ सकते हैं, जिसका पूरा प्रभाव जो समर्थन मूल्य पर खरीद हो रही है उससे पड़ेगा। और इसी के साथ आने वाले समय में गेहूं की आवक जो है वो मंडी में धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो दाम है उन पर भी असर जो है वो देखने मिलेगा। इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी से मैं नमन।